क्वेश्चन को ढूंढना है ऑप्शन ए हो गया कस्क्यूटा पैरासाइट ऑप्शन बी है पेरिप्रेडेटर एंड ऑप्शन डी है कैप्सुला हाइड्रोफाइट सो लेट्स स्टार्ट विद्सेप्ट और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट अडैप्शंस एक बार प्लांट एडेप्शन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं एंड देन विल टेक द करेक्ट वन अब जो प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ शो करते हैं टूवर्ड्स एनवायेंट और टूवर्ड्स अदर ऑर्गेनिज्म चीज हमें देखने को मिले अब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं एक हो गया पैरासिटिज्म कि भाई प्लांट जो है वो पैरासाइट जैसी क्वालिटी शो कर रहा है या हो गया कार्निवोरी कि प्लांट जो है वो इंसेक्टिवरस है राइट right. सो so, ये कुछ है जो हमें स्पेसिफिक में हमें ना है, है so, ये एक्चुअली में पैरासिटिज्म शो करता है और ये एक पैरासिटिक प्लांट है ये क्या करता है ये ना दूसरे प्लांट के सर्फिस पे उगता है और उनसे सर्फेसिस पे उगने के बाद उन पे लैच ऑन कर जाएगा और उनसे क्या करेगा फ्रॉम द प्लांट्स। वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा उस प्लांट से और वो प्लांट जिससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं होस्ट सो so, ये जो ऑप्शन दिया है ना कस्क्यूटा और पैरासाइट का ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो कस्क्यूटा प्लांट है वो कैसा अडेप्शन शो करता है अब नेक्स्ट so, है ऑप्शन डिस्कीडा इंसेक्टिवो सो जो ऑप्शन बी है जिसने हमें बताया डिस्कीडा के बारे में और क्या बोला कि डिस्कीडा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है सो so ये चीज है इनकरेक्ट। एक्चुअली में जो डिस्कीडा है वो कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है इट इज एन एपीफिटिक प्लांट एपीफिक प्लांट ये चीज हमें याद रखनी है क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो क्या करते हैं वो वॉटर को ट्रैप करते ट्रैप करते हैं वॉटर को एंड इसके साथ साथ वो शेल्टर uh, प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बट ये ऐसा नहीं है कि ये इंसेक्ट्स को खा रहे हैं ये सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, इसको एक इंसेक्टिवोरस प्लांट कह देना गलत होगा सो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया लेट सी ऑप्शन सी ओपोनटिया प्रिडेट सो ऑप्शन सी में ओपनटिया प्लांट को प्रिडेटर कहा गया है अब ये भी इनकरेक्ट है इसके इनकरेक्ट होने का रीजन इसलिए है क्योंकि ये ना एक जीनस है प्रिकली पेयर की प्रिकली पेयर की जिसे हम लोग कैक्टाई भी बोलते हैं जीनस ऑफ कैटाई ये चीज हमें जो अगर हम बात करें इनकी ओपुटिया की तो ये ना एडेप्टेड है एरिड एनवायरमेंट के लिए एरिड एनवायरमेंट के लिए इनको प्रिडेटर कह देना गलत होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खा जाते हैं वही तो प्रिडेटर होते प्रिडेटर कौन होते हैं जो प्रे को पकड़ के खा जाए लेकिन क्या ये प्रिडेटर है नहीं इनकरेक्ट करेक्ट ये ऑप्शन गलत हो गया अब कह रहा है कैप्सिला हाइड्रोफाइट सो बोल दिया जो कैप्सिला प्लांट है वो हाइड्रोफाइट अब हाइड्रोफाइट का क्या मतलब है हाइड्रोफाइट का मतलब है कि ऐसे पौधे जो कि ना अडेप्टेड है टू लिव इन वॉटर लेकिन ये जो कैप्सिला प्लांट है ये तो टेरेस्ट्रियल है राइट right? सो so, इसको हाइड्रोफाइट कह देना गलत हो जाएगा सो so, ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कस्क्यूटा पैरासाइट जो कि हमारे प्लांट और उसके अडेप्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक